नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बप्पा। आज फिर मैं आपको लेकर आया हूँ सहारनपुर की मंडी में, जहाँ हम जानेंगे आज फलों का और सब्जियों का क्या भाव रहा। तारीख है 2 अक्टूबर 2024। मैं आपको लेकर आया हूँ सुभाष चंद अविनाश चंद, दुकान नंबर B10SA, और यहाँ इनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। आप अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप इनसे फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं भाव का। और यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्याज के भाव और आलू के भाव। और हम सुभाष जी बैठे हैं सामने, हम इनसे ही बात करेंगे भाव के बारे में, और एक दो सवाल और भी हैं, वो भी हम जानेंगे सुभाष जी से। हाँ जी सुभाष जी, कैसे हैं आप? अच्छा सुभाष जी, आज का भाव क्या रहा प्याज का? प्याज की पोर्शन है भाई साहब, लेगा 40 रुपए से लेगा 45। अच्छा, वजन वही 48 किलो? नहीं नहीं, प्याज का पूरा वजन होता है। कितना? 40 किलो की, 40 किलो मिलेगी पूरा, यानी कि पूरा 1 किलो का भाव है। अच्छा, क्विंटल का भाव है 40 से लेकर 4600 रुपये क्विंटल। अच्छा, 4000 से 4600 रुपये क्विंटल का भाव है, पूरा वजन मिलेगा 100 किलो। ठीक, वजन कम बत्ती नहीं होता। अच्छा, और आलू का क्या भाव रहा आज? आलू की पोषण है भाई साहब, लेके 1100 से लेके 1225-30 रुपये। कौन सा बता रहे हैं? 1100 रुपये में डायमंड, 1225-30 रुपये में चिप सोना। अच्छा, वजन वही 49 से 48 किलो। 48। तो सुभाष जी से हमने जाना कि भाई आज आलू का और प्याज का क्या भाव रहा। अच्छा सुभाष जी, एक सवाल और है आपसे। हमारे जो कमेंट्स में है, कुछ व्यूवर्स पूछते हैं कि भाई हमें अगर कोई किसान यहाँ मंडी में अपना सामान बेचना चाहे तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसमें से आड़त लगेगी उसके ऊपर? नहीं नहीं, उससे सिर्फ लेबर कटेगी, कोई आड़त नहीं किसान पे। अच्छा, वो बस यहाँ पे माल ले आए, माल लावे, मजदूरी कटेगी उससे और उसको पैसे पूरे दे देना। अच्छा, जैसे मान लिया यहाँ पे दुकानदार बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, जैसे और भी लोग बैठे हैं, कोई नाटक काट। अच्छा, तो वो उनके पास जाए कि वो दिखाए उनको माल कि भाई मैं ये जो भी उसका सामान है मैं ये लेके आया हूँ, अब आप लोग उसका दाम लगाए करके बेच देते हैं उसका माल। अच्छा, बोली करके बेच, बोली करके बेचते हैं, ऑक्शन होता है उसका, करके उसको पूरे पैसे मिलेंगे माल, माल के पूरे पैसे, उसको कोई कोई कटौती नहीं। ठीक ठीक, तो भाइयों देख लो, सुन लो, कुछ लोगों के सवाल थे यहाँ जो कोई भी, और उसकी जिम्मेदारी हमारी, अगर कोई भी काटिया गया से तो हमारे पास आ गए। ठीक, वो हमारे से बात करें, हम किसी के भी कैसे अगर कोई काटता है उससे पैसे वापस देता है, जो हमारी जिम्मेदारी। ठीक ठीक, यानी किसानों के साथ कुछ गलत नहीं होगा? कोई गलत होगा तो हम मंडी के महासचिव हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी पैसा उसका वापस। ठीक ठीक, तो एक किसान भाई ने मुझसे यही सवाल किया था कि अगर वो अपना माल लेकर सहारनपुर की मंडी में जाए तो उसका बेचने का क्या प्रोसीजर है। वो सुभाष जी ने आज आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ सहारनपुर की मंडी में अपना माल बेचना चाहते हैं, कोई भी माल हो या सब्जी हो या फ्रूट हो, तो उसका एक प्रोसीजर है, किसान पे से कोई आड़त नहीं ली जाएगी और उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, सिर्फ लेबर का चार्ज कटेगा। तो मैं आपको मंडी में और भी दिखा देता हूँ सब्जियों के भाव। सुभाष जी अपना नंबर बताइए। 9412-32810। तो भाई मैं अब आपको लेके आया हूँ, ये गोभी रखी है, और मैं आपको गोभी के भाव दिखा बता देता हूँ। ये देखिए, अच्छा, तो हमारे साथ राशिद भाई हैं। राशिद भाई, आज गोभी का क्या भाव है? 26 रुपये किलो। 26 रुपये किलो। अच्छा, कितनी तरह की गोभी है? ये कई तरह की है, छोटी 5-6 रुपये किलो की भी है। अच्छा, 8 रुपये किलो की भी, 10 रुपये किलो की भी। अच्छा, और कल के भाव में और आज के भाव में तेजी है? मंदा है, मंदा है कल से। कारण क्या है, कुछ पता है? ज्यादा माल आ जा, कम हल्का भारी हो जा। आज माल ज्यादा आ गया, तो राशिद भाई ने बताया कि आज गोभी का माल ज्यादा है तो इसलिए ये मंदा है आज। तो भाई ये धनिया है, और धनिया का भाव भी हम जान लेते हैं क्या है। महेंद्र जी, आज धनिया का क्या भाव है थोक का? थोक का भाव है 100 रुपये किलो का, 90 रुपये किलो का। 100 और 90, तो अलग अलग वैरायटी है क्या इसकी? अलग अलग वैरायटी। 90 रुपये वाला कौन सा है? 90 रुपये वाला तो ये वाला है, एक ये 90 रुपये किलो वाला है भाई, और 100 रुपये किलो वाला भी हम जान लेते हैं महेंद्र जी से। और ये जो धनिया आप देख रहे हैं ये
100 रुपए किलो वाला धनिया है। अच्छा, भाव में इतना फर्क क्यों? आज माल ज्यादा है मंडी में। मंडी में माल ज्यादा है। अच्छा, कल से तेज है मंडी? आज आज डाउन है। डाउन है, ठीक। अपना नंबर बताओ भाई। 84 39 39 24 64। अब नंबर है करेले का। ये देखिए आप, ये पूरी पॉलिथीन जो है ये करेले की रखी है, और यहाँ पूरे सारे जो गट्ठड़ आप देख रहे हैं ये करेले के हैं। और मैं अब आपको करेले का थोक का भाव सहारनपुर की मंडी में क्या रहा वो बताने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, बच्चा है मेरे सामने और नासिर इसका नाम है। नासिर बेटा, आज करेले का क्या भाव रहा मंडी में? 28 रुपये। 28 रुपये सिर्फ एक ही भाव है? हाँ, एक ही भाव। अच्छा, इतना कम भाव क्यों है, मतलब मंदा क्यों है? ये मंदा इस मारे क्या बोलते हैं, ये त्योहार आ रहा है ना। हाँ, मारे मंदा है त्योहार के कारण। हाँ, ठीक। नासिर अपना नंबर बताओ बेटा। 93 68 46 80 70। तो भाव ये है कच्चा पपीता, और इसका भाव कितना है राशिद भाई? 13 रुपये किलो। आज थोक का भाव सहारनपुर की मंडी में 13 रुपये किलो है पपीते का, और वो भी कच्चे पपीते का। ये है भाई कद्दू, और कद्दू का भाव भी हम जान लेते हैं। और ये लौकी, लौकी का भाव भी हम, भाई नसीम है यहाँ, उनसे जानेंगे। और तो भाई यहाँ पे नसीम भाई, नसीम भाई का भी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, और अभी 3 4 दिन पहले मैं मिला भी था इनसे, तो उस समय ठीक थे। मैंने कहा भाई अचानक ये हुआ क्या, तो एक इनकी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया था, इन्होंने बताया। तो इनका ये लेफ्ट बाजू में फ्रैक्चर है ना भाई, तो फ्रैक्चर आ गया इनके। लेकिन हम नसीम भाई से भाव तो ज़रूर पूछेंगे, ऐसे तो छोड़ने से रहे इनको। तो नसीम भाई, आज आप हमें बताएंगे थोक के भाव। पहले लौकी का भाव बताइए। लौकी 10 रुपये किलो है थोक में। थोक में, अच्छा। और कद्दू? कद्दू 12 रुपये किलो है। 12 रुपये किलो। और खीरा? खीरा 10 रुपये किलो। अच्छा, तो भाई ये पंकज है। पंकज, थोक का रेट बताओ आज तोरी का क्या रहा? 22 रुपये किलो। कौन सी, घिया है काली? घिया। अच्छा, और दूसरी काली वाली? काले वाली 20। 20 पक्का यही रेट है? नसीम भाई अपना नंबर बताइए। 84 33 06 11। तो ये है सहारनपुर की मंडी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी लगभग सुबह के 7 सवा 7 का समय है, और मैं आपको सहारनपुर की मंडी दिखा रहा हूँ। यहाँ सब्जियाँ बिक रही हैं, लोग और ख़रीदार यहाँ खरीद रहे हैं सब्जियाँ। तो भाई आज मंडी में ये पालक रखा है, ये सारा पालक रखा है, और मैं आपको पालक के रेट बताने जा रहा हूँ। पालक का थोक का क्या भाव रहा, तो चलिए जान लेते हैं आज थोक का क्या भाव रहा पालक का। और ये सलगम, ये सलगम है 15 रुपये किलो। चलिए इनके भाव भी जान लेते हैं हम। तो भाई हमारे साथ आफ्ताब जी हैं। आफ्ताब जी, सबसे पहले आप पालक का भाव बताइए। पालक बिक रहा है 25 30 रुपए किलो। थोक का? थोक का 25 रुपए किलो। अच्छा, और सलजम का? सलजम 10 से लेकर 15 रुपए किलो तक। और हरी प्याज? हरी प्याज 40 रुपए किलो। अच्छा, और हरा बैंगन? हरा बैंगन बिक रहा है 20 रुपए किलो। और हरी मिर्च? हरी मिर्च 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। शिमला मिर्च? शिमला मिर्च। अच्छा, 45 रुपए किलो। 45 रुपए किलो, ठीक। तो भाई ये बैंगन, बैंगन का भाव भी हम जान लेते हैं भाई से। भाई बैंगन का क्या भाव है? 15 से 20 रुपए तक। थोक का? थोक का 15 से 20 रुपए तक। 15 से 20 रुपए तक का। अच्छा, पन्नी का कितना वजन रहता है? इसका पन्नी का 25 26 किलो 22 किलो, ठीक। आपका भाई अपना नंबर? कपूर एंड कंपनी C76। क्या कह रहे हैं? मोबाइल नंबर 9634 68 27 70। जी आफ्ताब जी, आज बंद गोभी का क्या भाव रहा? 15 से लेकर 20 रुपए किलो तक। अच्छा, एक बोरी का कितना वजन होता है इसका? इसका बोरी का वजन हो 40 किलो। 40 किलो। हाँ। अच्छा, आप तो पहले से आज कल से बाजार ठंडा है या तेज है? मैं सही है, मंदा है थोड़ा आज। आज मंदा है? हाँ। मंदे का कारण कुछ आफ्ताब जी? त्योहार नहीं चल रहे हैं। अच्छा, त्योहार, त्योहार के कारण। हाँ। ये सलगम, बहुत सारा सलगम रखा हुआ है यार। सलगम का साइज क्यों छोटा हो गया आजकल? ये छोटा ही बिकता है ये सब्जी। ये चाइनीज है क्या?
देसी सलगम। अच्छा, नाम क्या है भाई? नाम मेरा मुबारक है। मुबारक भाई के पास है आम, और मैसर्स नोटियाल ब्रदर्स, दुकान नंबर है C75। तो चलिए मुबारक भाई से सलगम के भाव पूछ लेते हैं। क्या भाव है, थोक के भाव बताना मुबारक भाई? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। और एक जो गट्ठड होती है उसका कितना वजन होता है? उसमें होता है जी 80 किलो 70 किलो। 80 से 70 किलो। तो ये सहारनपुर का ही होगा? नहीं, ये गांव के है जी, आसपास के गांव। ठीक है, नंबर बताओ भाई। 97-59-72-69। ठीक है, तो भाई अरबी का भाव भी हम जान लेते हैं। और ये चुकंदर है, चुकंदर का भाव भी आज हम जानेंगे जी। अरबी का भाव बताइए आज का। 50 रुपये अरबी है जी। किलो? किलो जी। ये थोक का भाव है ना? थोक का भाव है जी। अच्छा, और चुकंदर का? 32 रुपये। 32 रुपये। नंबर बताइए अपनी दुकान का। 74। तो चलिए भाई अब हम आंवले का भाव भी जान लेते हैं। ये आंवला है, और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे साथ आदित्य जी हैं। आदित्य जी, आंवले का आप थोक का भाव बताइए आज का। आंवले की थोक की पोजीशन अभी फसल की शुरुआत है। अच्छा, और अभी 10-15 दिन में या 1 महीने तक बढ़िया आ जाएगा आंवला। इसकी पोजीशन मान के चलो फिलहाल लगभग 20 से लेके 30-35 रुपये तक की पोजीशन। ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, थोड़ा 20-25 रुपये के बीच में। जो अच्छी क्वालिटी का है वो 30 से 40 रुपये। अच्छा, ये अच्छा, ये कार्टन है, पेटी है जी, इसका वजन कितना रहता है? इसका वजन लगभग 40 से 45 किलो। अच्छा, आंवला कहाँ से आता है? आंवला फिलहाल तो बाहर का ही आ रहा है, दिल्ली से। बाकी तो जो जब भी लोकल चल जाएगा थोड़े दिनों में, 15-20 दिन में लोकल प्रश्न होगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लोकल चल जाएगा 15-20 दिन में, तो उसका डाउन होगा रेट या बढ़ेगा? देखो जी, ये तो बारिश के ऊपर या फसल के ऊपर अभी है कि कितनी बारिश हुई है, कितने इलाकों में कितना फसल को नुकसान है, कितना क्या है। 15 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। 15 दिन का क्लियर हो जाएगा सब भाव वगैरह, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक। जैसे फसल के ऊपर कितनी अच्छी है, फसल कितनी खराब हुई है बारिश में, उस हिसाब से। अच्छा, पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर? 9358320175। ठीक ठीक है आदित्य। तो भाई रोजाना की तरह आज भी मैं मिर्चों का भाव राहुल यादव जी से जान लेता हूँ। और मैं आया हूँ इस समय रमेश चंद अशोक कुमार, और दुकान नंबर है RAB 24। सामने बैठे हैं राहुल जी। राहुल जी से हम जानेंगे कि आज का मिर्चों का, नींबू का और अदरक का क्या भाव रहा थोक में। आप हैं राहुल यादव जी। राहुल जी, आज मार्केट में मिर्चों का क्या भाव रहा और कितनी गड्डियाँ उतरी? गाड़ी तो भाव जी 3 थी। मिर्चे का बाजार रहा है जो 55 से 60। 55 से 60। आज इतना भाव क्यों गिरा है? पीछे भी मंदा था, यहाँ भी मंदा है ऐसे, क्योंकि कल तो शायद 80 या 100 भी गिरी हो। परसों थी। अच्छा, और अदरक का? अदरक जी बाजार टाइट है। टाइट है, पहाड़ी माल बेचा है 65 रुपये। अच्छा, और ये जो दूसरा वाला है बैंगलोर वाला भी यही बाजार रहेंगे 65 से 60 रुपये। अच्छा, और नींबू का? नींबू लोकल बिका है 50-55। बढ़िया माल, बढ़िया माल जी। अच्छा, और दूसरा बाहर का वाला तो आज आया नहीं है जी अपने पास, अभी आया नहीं जी। ठीक ठीक है राहुल भाई, अपना एक बार नंबर बताइए। 8279-54244। तो भाइयों, जो भी आपके सवाल जवाब हो या भाव के बारे में, आप राहुल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये है केला, और कच्चा केला है। आज मैं आपको इसके भाव बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, ये हमारे बड़े भाई हैं प्रेम जी, ये हमेशा खुश रहते हैं, मैंने हमेशा देखा है यहाँ जब से मिला हूँ। और भगवान उसी को खुश रखता है जो खुश रहता है। तो चलिए प्रेम भाई से आज हम जानते हैं कि आज कच्चे केले का मार्केट में थोक का क्या भाव रहा? 25 रुपये किलो थोक का। हाँ जी। अच्छा, पहले से सस्ता है या? तो सस्ता है, सस्ता है, पहले सस्ता है। अच्छा, सस्ते होने का कारण है प्रेम जी? गरम माल ज़्यादा आ गया। माल ज़्यादा है आज मंडी में? हाँ, माल ज़्यादा है। हाँ, तो भाइयों वैसे तो सारे व्यापारी यही कह रहे हैं कि आज सस्ता है क्योंकि माल ज़्यादा होने का। अच्छा, माल ज़्यादा क्यों आया है? माल ज़्यादा सब्जी मंडी है, मान लो दो गाड़ी कहीं जानी हो वापसी इधर आ जाए तो दो के बजाय चार हो गए, चार के रेट कट जाते हैं, मंदा हो जाता है, इसलिए मंदा हुआ है। हाँ जी, ठीक ठीक है प्रेम जी। तो भाई आज मैं आपको नई चीज़ का भाव बताने जा रहा हूँ। ये यहाँ करौंदे की कैरेट्स रखी हैं यहाँ, और मैं आपको करौंदे का भाव बताऊँगा कि आज करौंदे का क्या भाव रहा। मैं गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी पर हूँ, दुकान नंबर है GTC B22। तो भाइयों मेरे साथ हैं मीर साहब। अच्छा मीर साहब, आज करौंदे का थोक का भाव बताइए। 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो।
अच्छा, और एक कैरेट का कितना वजन होता है? अलग अलग है, 20 किलो के करीब होगा। अच्छा अच्छा, अलग अलग वजन होता है, यानी तोल के हिसाब से देते हैं आप। अच्छा, और कच्चे पपीते का? कच्चे पपीता 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। 10 रुपए किलो। आज मंदा होने का कारण? मंदा नहीं है। अच्छा, कई दिन से ही रेट चल रहा है। यही रेट चल रहा है। ठीक ठीक, अमीर साहब अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 98-97-146-325। ठीक, तो भाई ये लाल मूली है, और मैं आपको लाल मूली के भाव भी बता देता हूँ। जी वसीम भाई, लाल मूली का क्या भाव रहा आज? 40-60 तक है। थोक का भाव बताना। हाँ, थोक का ही बता रहा मैं तुम्हें, बोझी का। अच्छा, एक बोझी में कितना वजन है? 15 भी आवे, 10 भी आवे, 8 भी आवे, 12 भी आवे। अच्छा, और ये जो बोझी रखी है इसका कितना वजन है फिलहाल? ये पूरी बोझी है, इसमें दो बोझी है ये। हाँ, 12 किलो। ये कितना वजन है इसका? 12 किलो। 12 किलो की बोझी है, और इसका इसका कितना रेट है? 40 रुपए किलो। किलो जी। चलिए, लाल मूली का तो हमने पूछ लिया, और मैं अब आपको बता देता हूँ कि सफ़ेद मूली का आज थोक में क्या भाव रहा। तो हमारे साथ दीपक भाई है। दीपक भाई, आज थोक का क्या भाव रहा सफ़ेद मूली का? 30 रुपए किलो। कितना? 30 रुपए किलो। तो कल से मंदा है या तेज है? कल से मंदा है। कल से मंदा है। मंदे होने का कारण? अब जब नवरात्र चली गई, नवरात्र की वजह से मंदा है। अच्छा, नवरात्रि की वजह से। ठीक भाई, आप हैं योगेश जी। योगेश जी, आज भिंडी का क्या भाव रहा थोक का? भिंडी आज 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो बिकी। अच्छा, और योगेश भाई ये आंवला है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है इसका, ये अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा है मुझे। अच्छा, कहाँ का है आंवला? यहीं का है, लोकल मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। अच्छा, क्या भाव है एक पेटी का? ये वाला 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। तो अभी जैसे आंवला अभी आया नहीं है, आना शुरू होगा। आना शुरू होगा, इसका जो बड़ा साइज भी होगा और वो बिकेगा, और महंगा बिकेगा। वो महंगा बिकेगा, 50 रुपए किलो बिकेगा। 50? हाँ, 40-50 रुपए किलो, जिससे और थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक ठीक। तो भाइयों, ये है लाल मूली और सफ़ेद मूली, तो मैंने आपको दिखाई दी, ये लाल मूली है। मैं आपको लाल मूली के भाव बताने जा रहा हूँ, और सबसे बढ़िया टेस्ट तो इसी का होता है अगर मूली में देखा जाए तो, क्यों चिरचिरी होती है। अगर आप थोड़ी सी भी खा लेंगे, आधी मूली आपसे खाई नहीं जाएगी, और नाक में से आँख में से पानी चलने लगेगा। उसके तो पराठे ही बड़े गजब लगते हैं, और सब्जी तो खैर है ही बढ़िया। क्या हमारे साथ मैनपाल जी हैं? अच्छा मैनपाल जी, आज थोक का भाव बताइए लाल मूली का। लाल मूली 45-50 मिली। 45 और 50 रुपए किलो। अच्छा, एक जो गट्ठड़ होता है मूली का जी, जी, इसका कितना वजन होता है? ये तो किसान ऐसे तोल के ले जाता है। अच्छा, बगैर तोले ले जाता है। अंदाजे बांध लेते, 10-12 किलो की बोझी बांधते हैं। अच्छा, 10-12 किलो की होती है बोझी? हाँ, कोई 12 की हो जाए, कोई 13 किलो की बोझी, ऐसे किसान बैंक ले जाता है खेत से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये कल से तेज है या थोड़ा मंदा आज? आज थोड़ा सा बस ये रेट चल रहा है, 3-4 दिन से यही रेट चल रहा है। जो बढ़िया मूली है, जो बढ़िया मूली है। हाँ, जो बाकी वैसी है वो 35-40 चल रही, 30 रुपये चल रही, हल्की मूली कपड़ा करो। अच्छा, अब अपना नंबर भी बता दीजिए। नंबर मोबाइल नंबर 90-12-87-55-11। ठीक, मैं पहुंचा हूं मुमताज मलिक ट्रेडर्स, और यहां आप देख रहे हैं ये ट्रक, दो गाड़ियां यहां पे टमाटर की उतर रही हैं, और ये नीचे टमाटर, और एक रिक्शा में ये टमाटर भरा हुआ लेकर जा रहे हैं। तो हम मुमताज जी से बात करेंगे अब कि आज सहारनपुर की मंडी में टमाटर का क्या भाव रहा थोक का। तो ये है, माल उतार रहे हैं टमाटर का, तो चलिए बात भी कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर का साइज़ तो बड़ा अच्छा है, और क्वालिटी भी बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है देखने में। और अगर मैं एक पीस उठाऊं तो ये कम से कम 100 ग्राम का एक पीस है, 100 से ज़्यादा का, और साइज़ भी अच्छा है टमाटर का। आज ये देखिए, सहारनपुर की मंडी में जो भाव तय होता है वो ऐसे होता है, दोनों हाथ मिला लिए जाते हैं, क्रेता और विक्रेता, और दोनों हाथों के ऊपर कपड़ा रख लिया जाता है। हमारे साथ है भाई मोहम्मद नज़ाकत जी। अच्छा नज़ाकत जी, आज सहारनपुर की मंडी में थोक का क्या भाव रहा टमाटर का? जो नासिक का टमाटर है सुपर माल, उसकी पोजीशन आज 1400 रुपए की रही, 1400 रुपए नेट। बाकी जो 19-20 माल दे
1100 1150 1200 रुपए बिके, बाकी 1000 रुपए के भी टमाटर बिके जो हल्के माल थे, जिनमें दो दो तीन तीन किलो की शिकायत आ गई थी। अच्छा, सुपर माल जो है वो 1400 रुपए के बाजार है उसका। क्या बात बात है, क्या ठीक है। अच्छा निजागत भाई, जैसे ये वाला माल है, ये मुझे तो देखने में ठीक लग रहा है, बाकी जो है इसमें दागी की शिकायत है। अच्छा, इसमें एक किलो दो किलो ढाई किलो की दागी की शिकायत है। अच्छा, ये जो वो फिर हम साइड में लगा देते हैं गाड़ी के, तो उसका भाव अलग बिकता है, फिर वो अलग भाव से बिकता है, अलग भाव से बिकता है। तो आप देख लीजिए दर्शकों, ये टमाटर का भाव मैंने आपको बता दिया है। तो भाई ये गाड़ी अभी खाली हो रही है, और अब्दुल सत्तार भाई जी, आज खीरे का थोक का भाव बताइए मंडी में क्या रहा? 15 से 20 रुपए। 15 से 20 रुपए। अच्छा, अब जो बोरी है उसका वजन कितना रहता है? 40 किलो 50। ये सहारनपुर का ये खीरा? हाँ जी, आस पास के गांव का लोकल ही। अच्छा, तो कल से तेज है या मंदा है? कल से और तेजी से की संभावना है, नॉर्थ की वजह से तेजी हो सकती है। ठीक ठीक है सत्तार। अच्छा, अपना नंबर बताइए। 83-94-30-20। तो ये लो भाइयों, ये है कलरफुल शिमला मिर्च, लाल और पीले रंग की। तो कुछ भाई मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स में कि हमें शिमला मिर्च के भाव बता दीजिए। तो चलिए मैं आज आप भाई से जान लेता हूँ कि आज क्या भाव रहा सहारनपुर की मंडी में कलरफुल शिमला मिर्च का। तो भाई हमारे साथ हैं मन्नू भाई। मन्नू भाई जी, आज सहारनपुर की मंडी में थोक का भाव बताइएगा आप। लाल और पीली 160 रुपये किलो। ये थोक का भाव है ना? ये थोक का होलसेल का। अच्छा, रिटेल 180 का है। ये मटर का भाव बताइए। 27 रुपए होलसेल। अच्छा, 200 ग्राम। और एक किलो का? एक किलो का 125। 125 का। अच्छा, और ये स्वीट कॉर्न? हाँ, होलसेल 22 रुपए का। होलसेल 22। प्रोटीन का स्रोत सोया चाप, सोयाबीन की चाप, बहुत बढ़िया सब्जी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए इसका भाव पूछ लेते हैं क्या है आज। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सोयाबीन का पनीर। अच्छा, मैं भी आप आज पहली बार देख रहा हूँ इसको, और ये जब मैंने अभी देखा तो सोचा कि पनीर है, देख तो लग तो रहा बिल्कुल पनीर ही देखने में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा। लेकिन अब मन्नू भाई से जानेंगे इनके थोक के भाव आज क्या रहे। एक तो सोया चाप और सोया पनीर। हाँ मन्नू भाई, आज क्या भाव रहा है सोया चाप का? 120 रुपये होलसेल का। अच्छा, और सोया पनीर का? 160 रुपये किलो। 160 रुपये किलो। अच्छा मन्नू भाई, अपना नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर 6698-22-26-16। ठीक। तो भाई मशरूम है ये, और मशरूम की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है, और साइज भी अच्छा है। और ये भाई भी यहाँ से लेके जा रहे हैं, देखिए भाई ने मशरूम तुलवाई ली है। तो भाई चलिए थोक का भाव मशरूम का भी जान लेते हैं मन्नू भाई से। मन्नू भाई, थोक का भाव बताइए। 120 रुपये किलो। ठीक। तो लगे हाथ चलो ब्रोकली का भी भाव पूछ लेते हैं, बहुत विटामिन्स होते हैं ब्रोकली में, और इसका भाव हम जान लेते हैं क्या है। ब्रोकली का भाव बताइए। ब्रोकली 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो। ठीक। ये पहाड़ी अदरक है भाई, तो चलिए इसका भाव भी हम जान लेते हैं। और मैं इस समय हूँ सादिक अहमद, अनवार अहमद और आफ्ताब आलम आमिर अहमद, दुकान नंबर SAC 42। जी भाई साहब, आज पहाड़ी अदरक का भाव बताइए थोक का। ये थोक का बाजार रहा है 60 और 65 के आसपास। अच्छा, ये पहले कल से तेज है या मंदा है? कल से 20 रुपये किलो महंगा है। महंगा है। अच्छा, महंगाई का कारण? माल कम होने से दिल्ली बंद है। अच्छा, तो चलिए अपना दिल्ली बंद रहती है ना। हाँ, तो माल कम आता है, इसकी वजह से महंगा हो जाता है। मोबाइल नंबर बताइए अपना। 96-75-34-98-06। ठीक ठीक।